केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में विपक्ष से लेकर अन्य पार्टियां मोदी सरकार का जमकर विरोध करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। इसी के चलते गदरपुर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों को लेकर किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए किसानों द्वारा प्रयुक्त होने वाले मुख्य साधन व कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले बग्घी पर सवार होकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता के साथ साथ हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। नवबारा समाचार गदरपुर उत्तराखंड से अभिषेक सरकार। किसान विरोधी काले कानून जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। कांग्रेस का प्रदर्शन था, आप उसको कवर करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पंजाब में राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कानून वापस ले लेंगे। उसी क्रम में आज गदरपुर में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का काम किया है। ये जो काला कानून, किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, सिर्फ अपने क्रोनिक कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, पूरा देश आंदोलित है। देश का भविष्य, कम से कम 65 करोड़ देश की जनता ऐसी है जो इस काले कानून के दुष्परिणाम झेलेगी, इससे कुप्रभावित होगी। तो वो समस्त लोग आज सड़कों पर हैं, स्तब्ध हैं, परेशान हैं इस कानून को लेकर। उसी संदर्भ में आज गदरपुर की कांग्रेस सड़कों पर उतरकर भैंसा गाड़ी पर सवार होकर, घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर जो हिंदुस्तान की असलियत है, जो मौजूदा परिवेश है, वो समझाने की कोशिश की है हमने जनता को।